अस्सलाम वालेकुम बच्चों, कैसे हैं आप सब। मैं उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। बच्चों, ईद की छुट्टियों के बाद हम दोबारा से अपने ऑनलाइन लेक्चर्स का आगाज़ करते हैं। बच्चों, यूनिट 3 कंटिन्यू था हमारा। आज हम एक्सरसाइज 3B स्टार्ट करेंगे। बच्चों, एक्सरसाइज 3B के 1 से लेकर 4 तक क्वेश्चन हम बाद में करेंगे। आज हम क्वेश्चन नंबर 5 से स्टार्ट करते हैं। पहले हम क्वेश्चन 5 करेंगे। एक्सरसाइज 3B क्वेश्चन 5 है, सॉल्व द फॉलोइंग। ए पार्ट देखें, 2/3 × 4। बच्चों, एक बात आपने याद रखनी है कि जिसके डिनोमिनेटर में कुछ भी नहीं होता उसके डिनोमिनेटर में 1 होता है। जिस तरह आप 4 के डिनोमिनेटर में देखें कुछ भी नहीं है, तो 4 के डिनोमिनेटर में 1 लगा देंगे हम। सॉल्व करते हैं, 2/3 × 4/1। 1 4 के डिनोमिनेटर में कुछ भी नहीं था तो हमने 1 लगा दिया। अब सिंपली क्या करना है, इनको मल्टीप्लाई करना है। न्यूमिनेटर को आप न्यूमिनेटर से मल्टीप्लाई करवा दें और डिनोमिनेटर को डिनोमिनेटर से मल्टीप्लाई करवा दें। 2/4/3 × 1। 2 × 4 = 8, 3 × 1 = 3। 8/3 आ गया। अब ये इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है क्योंकि न्यूमिनेटर ग्रेटर है डिनोमिनेटर से, इसलिए हम इसे मिक्स में लिखेंगे आंसर इसका। तो 8 को 3 पर डिवाइड कर लें। ये देखें बच्चों, मैंने डिवाइड किया, वो मिक्स में लिखने का मैंने आपको मेथड पहले बताया हुआ है। एक्सरसाइज 3A में भी हमने ये काम किया है। मिक्स में लिखेंगे, ये क्वेश्चन जो इसे साइड पे लिख देंगे, रिमाइंडर को ऊपर लिखेंगे और डिवाइजर को नीचे। ये आंसर आ गया मिक्स में। नेक्स्ट बी पार्ट देखें, 7/2/5। 7 के डिनोमिनेटर में कुछ भी नहीं है तो 7 के डिनोमिनेटर में हम 1 लगा देंगे। 7/1 × 2/5। अब सिंपली न्यूमिनेटर को न्यूमिनेटर से मल्टीप्लाई करवा दें और डिनोमिनेटर को डिनोमिनेटर से मल्टीप्लाई करवा दें। 7/2/1 × 5। 7 × 2 = 14, 1 × 5 = 5। 14/5 आ गया। फिर ये इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है, न्यूमिनेटर ग्रेटर है डिनोमिनेटर से, तो फिर हम इसे डिवाइड करेंगे आंसर इसका मिक्स फ्रैक्शन में लिखेंगे। बच्चों देखें, मैंने डिवाइड किया हुआ, डिवाइड करके इसका मिक्स में आंसर लिख दिया। नेक्स्ट सी पार्ट देखें, 3/4 × 3। 3 के डिनोमिनेटर में कुछ भी नहीं है तो 1 लगा दें। 3/4 × 3/1। न्यूमिरेटर को न्यूमिरेटर से मल्टीप्लाई करवा दें, डिनोमिनेटर को डिनोमिनेटर से। 3/3/4 × 1। ये देखें नेक्स्ट पार्ट, मैंने इसका यहाँ पे किया हुआ है जो इसका बाकी सॉल्यूशन है। 3/3 = 9 और 4/1 = 4। इसका आंसर भी मिक्स में लिखेंगे क्योंकि इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है, न्यूमिरेटर ग्रेटर है डिनोमिनेटर से। बच्चों देखें, मैंने साइड पे डिवाइड किया हुआ है रफ में, आप भी डिवाइड करके देख सकते हैं। तो आंसर इसका ये देखें मिक्स में लिखा हुआ मैंने। डी पार्ट, यहाँ पे भी देखें, 7 के डिनोमिनेटर में कुछ भी नहीं है तो 1 लगा देंगे हम। 1/3 × 7/1। न्यूमिरेटर को न्यूमिरेटर से मल्टीप्लाई करवा दें, डिनोमिनेटर को डिनोमिनेटर से। 1/7/3/1। 1 7 = 7, 3 1 = 3। 7/3 मिक्स में आंसर लिखें, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है इसलिए आंसर मिक्स में लिखेंगे। देखें, मैंने 7 को 3 पर डिवाइड किया हुआ है साइड पे, तो आंसर इसका देखें ये मिक्स में लिख दिया है। नेक्स्ट ई पार्ट है, ई पार्ट भी बिल्कुल ऐसे ही करना है। 5 के डिनोमिनेटर में कुछ भी नहीं है तो 1 लगा देंगे हम। 5/1 × 1/6। न्यूमिरेटर को न्यूमिनेटर से मल्टीप्लाई करवा दें, डिनोमिनेटर को डिनोमिनेटर से। 5/1/1 × 6। 5/1 = 5/6 = 6। 5/6 आ गया। अब इसका आंसर हम मिक्स में नहीं लिखें क्योंकि हम न्यूमिरेटर छोटा है डिनोमिनेटर से, इसलिए एज इट इज़ यही आंसर आ गया इसका। यही आज की होम असाइनमेंट है। जो आपने एक्सरसाइज 3B क्वेश्चन 5 के तमाम पार्ट्स अपनी नोटबुक्स के ऊपर इन्हें राइट करना है और इनकी प्रैक्टिस भी करके देखनी है। ओके जी, अल्लाह हाफिज़।